जब भी किसी स्मार्टफोन कंपनी के द्वारा कोई नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च की जाती है तो उसके तुरंत बाद उसका जो कॉम्पिटिटर होता है वो तुरंत से अपनी सीरीज को टीज करता है कि जो आने वाली ये सीरीज है उससे बेस्ट हमारी सीरीज होगी। और इसको एज ए कस्टमर हम सोचे तो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट चीज होती है कि हमको ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है मार्केट में, और जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा ना उतने ही ज्यादा स्मार्टफोन ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेंगे। और इन चीजों के चलते ना हम एक अच्छे कंपेरिजन को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज के साथ जाना है। अभी रिसेंटली हमको देखने को मिली Redmi Note 10 सीरीज। अब ये जो सीरीज है इसने एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है। कोई भी आपको 12,000 की प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ड्यूअल स्पीकर्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करता है। 16,000 की प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब ये एक ट्रेंड है और इसके चलते ही बाकी सारी कंपनियां काम करती हैं। ये हम स्मार्टफोन मार्केट में ऑलवेज देखते आए हैं कि जब कोई एक कंपनी करती है तो दूसरी कंपनियों को वो करना ही पड़ता है, अदरवाइज उसी के बिक जाएंगे, दूसरे स्मार्टफोन तो सेल ही नहीं होंगे। तो Realme की जो 8 सीरीज आने वाली है वो बिल्कुल हमें इसी ट्रेंड पे देखने को मिलने वाली है। तो मैंने दो दिन पहले एक पोल पूछा था इसी वीडियो को बनाने के लिए कि बेसिकली आप कौन सी सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, Realme 8 में या फिर Redmi Note 10 सीरीज में। Redmi Note 10 सीरीज वालों के वोट ओनली 37% है, बाकी 63% Realme 8 सीरीज में इंटरेस्टेड है। ये शायद इसलिए कि Realme 8 सीरीज अभी तक लॉन्च नहीं हुई और लोगों को लगता है पता ही उसमें क्या होने वाला है, और मैं बेसिकली इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन अगर आप, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि अगर आप 5G को एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो सकती हैं, क्योंकि यहां पे ये जो सीरीज नंबर सीरीज और Redmi की जो नोट सीरीज है वो मुझे लगता है इस बार हमको नहीं प्रोवाइड करने वाली है 5G कनेक्टिविटी। तो इस वीडियो में डेडिकेटली आपसे मैं Realme 8 और Realme 8 Pro के बारे में बात करूंगा, और मैं भी Realme 8i के बारे में, जो आपको क्या-क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है इन सारे ही स्मार्टफोन्स में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो टोटल फोन्स की बात करें तो हमेशा की तरह जैसे हमको Realme 7 सीरीज देखने को मिली, शायद वैसे ही Realme 8 सीरीज में दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। लेकिन चांसेस हैं कि इस बार Realme 8i, Realme 8 और Realme 8 Pro देखने को मिले। अगर यहां पर Realme 8 Pro के साथ अगर आता है तो ये Realme 8 Pro आएगा Snapdragon 750G के ऊपर, और यहां पे 8i नहीं आता है तो हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या चांसेस होने वाले हैं, क्योंकि ये कोई सॉलिड लीक्स नहीं है कि हमको Realme 8i देखने को मिले ही मिले। तो सबसे पहले मैं बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो इस बार हमको टोटली बैक से पूरा कटआउट डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। क्वाड रियर कैमरास होंगे और वही पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा ग्लोसी फिनिश के साथ, और इसी के साथ हमको 3.5mm जैक और USB टाइप सी दोनों ही स्मार्टफोन्स में कॉमनली देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं आपसे डिस्प्ले की, तो जो Realme 8 होगा उसमें हमको 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमको जो Redmi Note 10 सीरीज ने जो ट्रेंड सेट किया है उसी पे चीजें देखने को मिलने वाली हैं। इसमें भी हमको बिलो 14,000 की प्राइसेज में देखने को मिलेगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन ये हाई रिफ्रेश रेट के साथ नहीं, 60 हर्ट्ज की नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ ही आने वाली है, और इसी के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होगा इसमें भी। वहीं मैं आपसे बात करूं Realme 8 Pro की, तो इसमें हमको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और यहां पे हमको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये अगेन एक बहुत ही कमाल का ट्रेंड है कि हमको अंडर 20,000 की प्राइसिंग में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है, और इसमें चांसेस हैं कि हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिले जैसा हमको देखने को मिला था Realme 7 सीरीज में। अब बात करूंगा आपसे प्रोसेसर की, इनकी ताकत की, जो Realme 8 है वो MediaTek के Helio G95 के ऊपर आने वाला है। अब ये जो प्रोसेसर है वो हमें सेम देखने को मिला था Realme 7 में, Realme Narzo 20 Pro में। अब ये प्रोसेसर गेमिंग के पर्सपेक्टिव से काफी कमाल का है, काफी कमाल की मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, लेकिन स्टिल आपको यहां पे 4G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। और वहीं ये फोन 4GB, 64GB और 6GB 128GB रैम वेरिएंट के साथ आएगा। Realme 8 Pro जो होगा वो Qualcomm Snapdragon 720G के ऊपर आएगा। अब इसमें अगेन 5G कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब 5G कनेक्टिविटी तो नहीं होने वाली है, लेकिन ये एज कंपेयर टू Snapdragon 732G जो हमको Redmi Note 10 सीरीज में देखने को मिला है उसके कंपेयर में ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, क्योंकि
पुराना है थोड़ा सा और यहाँ पे बहुत सारे फोन्स में आ चुका है, तो काफी ज्यादा कमाल की ऑप्टिमाइजेशन हमको देखने को मिलती है और Realme 7 Pro में भी हमको यही देखने को मिला था। लेकिन 5G कनेक्टिविटी नहीं है और स्टिल अगर मैं अभी के टाइम की बात करूँ तो 5G के पीछे जाना इतना मतलब जरूरी है भी नहीं। अगर आप एक मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो तो डेफिनेटली आपको 2-3 साल तक अगर कोई फोन यूज करना है तो आप 4G फोन के साथ जा सकते हो। वहीं अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो और आपका प्लान है कि आप जो फोन ले रहे हो वो 2-3 सालों तक आप यूज करो तो 5G फोन आपके लिए कंपलसरी सी चीज हो जाती है। लेकिन स्टिल अगर आप 4G के साथ कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हो तो 5G के लिए पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जो Realme 8 Pro जो है वो 6GB 128GB और 8GB 128GB रैम वेरियंट के साथ हमको देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स हमको एंड्रॉइड 11 और Realme UI 2.0 पे बेस्ड देखने को मिलेंगे। और अगर 5G को इस कदर भी देखें कि बाकी स्पेसिफिकेशन जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और इनके साथ 5G कनेक्टिविटी भी दे दी जाए और कमाल का प्रोसेसर भी दे दिया जाए तो ये जो प्राइस है वो बिलो 20,000 में नहीं रहेगी, ये अबाउ 21,000 के चली जाएगी। और यहां पे 20,000 से अबाउ जो है वो स्मार्टफोन सेगमेंट पूरा तरीके से चेंज हो जाता है, अलग ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको 20,000 से ऊपर देने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट ही चाहिए तो। लेकिन आपको 5G कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको एक 5G कनेक्टिविटी चाहिए वो भी बिलो 20,000 में तो आपको MI 10i या फिर Realme Narzo 30 Pro या Realme X7 के साथ ही जाना पड़ेगा। और अब बात करूं आपसे कैमरा डिपार्टमेंट की, जो Realme 8 होगा वो 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा को लेके आएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और उसमें हमको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं मैं आपसे बात करूं Realme 8 Pro की तो ये 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सेटअप को लेके आने वाला है। ये पहली बार Realme की नंबर सीरीज में हमको 108 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, जैसे हमको सेम Redmi के नोट सीरीज में पहली बार 108 मेगापिक्सल देखने को मिला है। ये Samsung के HM2 सेंसर के साथ आएगा, थर्ड जनरेशन सेंसर, और ये 3x ऑप्टिकल जूम को अपने साथ लेके आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 64 मेगापिक्सल का एक सोनी का सेंसर मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको Samsung का एक 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है वो भी ये बिलो 20,000 की प्राइस रेंज में, तो आप बेटरली 64 मेगापिक्सल के साथ जा सकते हो। ये यहां पे थोड़ा सा मैं Redmi Note 10 Pro की उसको 20,000 की प्राइस रेंज में इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं फ्लेक्सिव रेंज की और मिड रेंज की तो में आज कोई डिफरेंस नहीं बचा है अगर आप कैमरा को छोड़ दो तो। अगर वो भी 108 मेगापिक्सल का देखे और उसी लेवल का कस्टमाइज कर दिया जाएगा तो फ्लेक्सिव रेंज को कोई खरीदना प्रेफर करेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमको इसमें ओनली गिमिक के रूप में देखने को मिलती हैं, उतनी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखने को मिलेगी। और उसके बाद दोनों ही फोन पंच होल के साथ सेल्फी कैमरा को लेकर आएंगे। बैटरी डिपार्टमेंट के हिसाब से बात करूं तो Realme 8 के साथ आएगा 5000 mAh की बैटरी और इसी के साथ 30 वोल्ट की डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट, USB टाइप सी होगी और इसी के साथ स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट इसमें भी शायद देखने को मिल सकता है। वहीं जो Realme 8 Pro होगा वो 4500 mAh की बैटरी के साथ 65 वोल्ट की चार्जिंग को लेकर आएगा और ये ऑलरेडी FCC सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है तो इसको आप 100% श्योरिटी के साथ मान सकते हो। और इसी के साथ USB टाइप सी और स्टेरियो स्पीकर्स हमको यहां भी देखने को मिलेंगे। और अब बात करूं मैं इनके प्राइस डिपार्टमेंट की तो बेसिकली जो Realme 8 होगा 4GB 64GB रैम वेरिएंट के साथ वो हमको देखने को मिलेगा 12,999 की प्राइस रेंज में, क्योंकि इसमें हमको देखने को मिल रहा है Helio Z95 प्रोसेसर। इससे कम की प्राइस रेंज में देखने को मिल नहीं सकता, बिकॉज़ इससे और कम हो जाएगी तो वो अपने ही फोन जो पहले Realme Narzo 20 Pro है, Realme 7 है, उनको पूरी तरीके से मात दे चुके होंगे। वहीं मैं आपसे बात करूं Realme 8 Pro की तो ये 6GB 128GB रैम वेरिएंट के साथ ऑलमोस्ट हमको 18,999 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, जैसा हमको सेम Redmi Note 10 Pro Max देखने को मिला है। अब मैं आपसे बात करूं इनके लॉन्च की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो जो Redmi Note 10 है उसकी जो पहली सेल है 16th ऑफ मार्च को, तो मुझे लगता है उसके लगभग ये चीजें या तो रिवील हो जाएंगी या हमको उसके लगभग देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि 25th ऑफ मार्च से पहले ये स्मार्टफोन आपको लॉन्चेस देखने को मिल जाएंगे। तो यह है कहानी इसी Realme 8 और Realme 8 Pro की, बाकी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस सीरीज के साथ जाना है। बाकी मेरा मानना यह है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्या पता आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील देखने को मिल जाए Realme 8 के साथ, या फिर आपको जो डेडिकेटली चीज चाहिए हो वो ही Realme 8 या 8 Pro के साथ देखने को मिले। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसी के साथ सब्सक्राइब करना है। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।